सभी श्रोताओं को अजय दीप वाधवा का नमस्कार। हमने देखा है कि रोड पे ट्रैफिक स्मूथली या अच्छे से तब चलता है जब गाड़ियां एक तरफ से यानी बाएं तरफ से आना जाना करें, एक तरफ से गाड़ियां जाएं दूसरी तरफ से आएं, एक दूसरे के रास्ता को ना रोकें तो ट्रैफिक स्मूथली चलता है। यही हाल यही चीज मेरे विचार से रेस्पेक्ट के बारे में भी है। जब किसी को रेस्पेक्ट देते हैं यानी इधर से एक तरफ से रेस्पेक्ट जाता है तो दूसरी तरफ से रेस्पेक्ट आता है। ये टू वे ट्रैफिक है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी को इज्जत देते हैं सम्मान देते हैं तो वो भी हमको इज्जत देता है सम्मान देता है। अगर हम किसी से सम्मान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसको सम्मान देना पड़ेगा। हमारी तरफ से अगर सम्मान किसी को नहीं जाएगा तो उसकी तरफ से भी हमारी ओर सम्मान नहीं आएगा। तो बेसिकली रेस्पेक्ट जो है वो हमें किसी को पाने के पहले किसी को देना चाहिए। पर हम कभी कभी उल्टा कर जाते हैं, हम लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। हम सम्मान सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों को देते हैं, पैसे वालों को देते हैं, अपने से ऊपर प्रतिष्ठित पद में या जो सत्ता में ऊंचे लोग हैं उनको देते हैं। पर बेसिकली जितने भी व्यक्ति समाज में हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या आकाश से, वो सब सम्मान के हकदार हैं। और जब हम उनको सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। मुझे एक छोटी सी कहानी यहाँ याद आ रही है। एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी बर्फ की फैक्ट्री में वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे, उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि जब भी वो गेट से उनकी गाड़ी घुसती थी फैक्ट्री के अंदर और गेट पर खड़े गार्ड उनको सैल्यूट मारते थे और जोर से बोलते थे गुड मॉर्निंग सर, तो उतनी ही जोर से जवाब देते थे गुड मॉर्निंग। और जब शाम को 5:30-6 बजे उनकी गाड़ी वापस आती थी तो गार्ड फिर उनको सैल्यूट मारते थे, बोलते थे गुड इवनिंग सर या गुड नाइट सर, तो फिर से वो भी जवाब देते थे गुड नाइट बाय। उस फैक्ट्री में सैकड़ों कर्मचारी थे, जूनियर से लेकर सीनियर तक। गार्ड किसी किसी को सलाम करते थे, सैल्यूट मारते थे, पर प्रायः लोग गार्ड की ड्यूटी समझते सलाम करना, वो उसको जवाब नहीं देते थे। पर जनरल मैनेजर साहब की जीएम की आदत थी, जो कि वहां का बॉस था, कि हर सैल्यूट को जवाब देना है आते हुए और जाते हुए। एक दिन जीएम साहब एक फैक्ट्री के कोने में कोई आइस का एक छोटा सा, उसी फैक्ट्री के कैंपस में एक छोटा सा इलाका था जहां पर आइस ज्यादा बनती थी, वहां अंदर विजिट करने गए। जब वो अंदर घुसे फैक्ट्री के अंदर जहां आइस जम रही थी, वो अपने कपड़े वपड़े पूरे पहने हुए थे जिससे कि ठंड से बचा जा सके, पता नहीं उनसे क्या गलती हो गई और वो दरवाजा बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। अब वो दरवाजे के चाबी उनकी बाहर छूट गई थी, यानी अब वो दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता था, अंदर से नहीं खोला जा सकता। जीएम साहब ने काफी चीख पुकार मचाई, पर चूंकि वो आइस का फैक्ट्री थी और वो जो केबिन था वो इतनी टाइटली बंद हुआ था, साउंड प्रूफ था, वो बाहर से आवाज नहीं जा रही थी। अंदर फैक्ट्री चालू थी तो अंदर टेम्परेचर जो था वो गिरने लगा और धीरे धीरे जीएम साहब को ठंड लगने लग गई। और कुछ ही देर में ऐसा हुआ कि उनको इतनी ठंड लगने लगी कि वो कांपने लगे, फिर वहां गिर पड़े, उनके पूरे हाथ पैर मुंह सब में बर्फ जमने लग गई। आधे घंटे के अंदर उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनके पूरे शरीर में बर्फ जम चुकी थी और वो मरने के कगार पर पहुंच गए। उनकी बोली भी अब नहीं निकल रही थी। अब उन्हें समझ लिया था कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि ये फैक्ट्री अब शाम का समय है, अब तो बाहर से फैक्ट्री गेट बंद हो जाएगा, अब लोग कल ही आएंगे और कल जब कोई कर्मचारी इसको गेट खोलेगा तो मुझे बर्फ के अंदर उसको मरा हुआ शरीर उसे मिलेगा। इधर क्या हुआ कि जब फैक्ट्री बंद करने का समय आया तो गार्ड लोग ने नोट किया कि जब भी जीएम साहब जाते हैं हम लोग उनको गुड इवनिंग गुड नाइट बोलते हैं तो जवाब देते हैं, आज हमें ये जवाब नहीं मिला है। इसका मतलब जीएम साहब अभी भी फैक्ट्री के अंदर है। अब गार्ड लोगों ने अंदर दौड़े और उन्होंने जीएम के उसके कार्यालय में, अन्य कार्यालयों में, अन्य फैक्ट्री में जीएम को ढूंढना चालू किया और अल्टीमेटली जब उन्होंने ये छोटा वाला केबिन खोला तो उन्होंने देखा कि जीएम साहब वहां पड़े हुए थे, उनके ऊपर बर्फ की लत परत जम चुकी थी और वो मरने जा रहे थे। उन्हें तुरंत गार्ड ने उठाया, केबिन के बाहर लाए, तुरंत उनका उपचार किया गया और कुछ देर में बाहर आने के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो जीएम साहब की सांस उखड़ती सांसें फिर से सही रास्ते पर आ गई और उनकी जान बच गई। और सिर्फ वो किसने बचाया, क्योंकि वो गार्ड जो उनको रेस्पेक्ट देते थे, उनको गुड नाइट या गुड मॉर्निंग बोलते थे, तो जीएम साहब उनको रेस्पेक्ट देते थे और वो गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलते थे। ये कहानी हमें जीवन में एक सबक देती है कि जब भी हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो छोटा हमसे छोटे पद पर हो या कोई छोटा काम करने वाला हो या हमारे बड़ा काम करने वाला हो, रेस्पेक्ट हमारे पास वापस आती है। तो जीवन में हमें अगर रेस्पेक्ट पाना है तो सबसे पहले रेस्पेक्ट देना सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।